स्वागत है आपका हमारे चैनल डी आर स्टडी पॉइंट में फिर से एक बार। और मैं आप लोगों को ये बता देना चाह रहा हूँ कि मैंने जो पिछले वाला वीडियो डाला था, अपलोड किया था आप अपने चैनल पे या फिर आप ही के चैनल पे, डी आर स्टडी पॉइंट आप ही का चैनल है, ठीक है। तो उसमें क्या था आपका कि एक मैंने आपका बेसिक वीडियो अपलोड किया था सिलोलिज्म का, ठीक है। उसके बाद मैंने ओनली ए फ्यू इधर और पॉसिबिलिटी सारा मैंने अपलोड कर दिया। लास्ट में एक आपका बच रहा क्या है, आपका एक बच रहा है नो और सम वाला कॉन्सेप्ट। ये आजकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स में, है ना। आपका जो भी एग्जाम्स आ रहा है इसमें सम नॉट का काफ़ी प्रॉब्लम, अगर एग्जाम में कम भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो बच्चों के माइंड में ये मतलब डाउट है कि सर इसको बनाया कैसे, इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, या फिर इसका फिगर कैसे बनेगा, इसका कंक्लूजन कैसे बनेगा, ये स्टेटमेंट में होगा तब कैसे बनेगा, ये कंक्लूजन होगा तब हम लोग इसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो इन सारे चीज़ों का सॉल्यूशन जो है आपके बस और बस सिर्फ और सिर्फ एक ही वीडियो में आपका अवेलेबल है। कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखना है। और जितना भी प्रॉब्लम हो आपका आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। उससे पहले क्या करना है आपको कि नो सम तो मैं पढ़ाऊंगा ही आप लोगों को, लेकिन ये डी आर स्टडी पॉइंट जो है वो आप लोगों को क्या करना है कि लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है जितना हो सके, जितना भी हो सके, क्योंकि इसका जो कॉन्टेक्ट है, आपका जो कंटेंट है इसका, है ना, जितना भी हम लोगों ने आप लोगों के लिए मटेरियल बनाया है, प्रोवाइड कर रहा हूँ जितना भी मटेरियल आप लोगों को, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये उन बच्चों तक पहुँचना चाहिए जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे, जिनको एक प्रॉपर वे, एक प्रॉपर तरीका, एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहा है अपने एग्ज़ाम्स के लिए, तो उन लोगों तक अगर पहुँचे तो इससे ज़्यादा खुशी की बात हम लोगों के लिए कुछ नहीं होगी। मेरे हिसाब से ये बहुत ही खुशी की बात होगी कि आप लोग इस वीडियो को या फिर हमारे जितने ही वीडियो हैं सबको आप उन लोगों तक पहुंचा रहे हैं वन बाय वन करके। वो लोग देख रहे हैं, वो लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो लोग उन लोगों को समझ में आ रहा है ना, और हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने हुए हैं, ठीक है। तो शेयर करते रहिए, और जितने लोग अभी देख रहे हैं लाइक सब्सक्राइब बटन दबा कर ही निकलना, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि डी आर स्टडी पॉइंट, मैं कुणाल सर आप लोगों का यहाँ पे ये सेशन लेने वाला हूँ। अब चलो देखते हैं क्या है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि सम नॉट को बाद में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले नो वाला मेरा जो कॉन्सेप्ट है हम लोगों को क्या करना है उसको पहले क्लियर कर लेना है, ठीक है। जब उसको पहले हम लोग क्लियर करेंगे तो सबसे पहले हम लोग नो वाले पे आते हैं। नो वाले में क्या होता है, देखो एग्जाम्स में क्या होता है बेसिकली कि हम लोग जानते हैं क्या, यहाँ अगर नो लिखा रहे एकदम राइटिंग क्लियर देखना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। नो मीन्स होता है क्या, कोई नहीं, या फिर आपका होता है सभी नहीं, ठीक है। हिंदी भी जानना जरूरी है, हिंदी भी जानते चलेंगे हम लोग, है ना। नो मीन्स होता है कोई नहीं या फिर सभी नहीं। आजकल एग्जाम्स में आपका क्या कर दिया है कि नो को काफी कम ला रहा है एग्जाम्स में, इस नो के बदले ला क्या रहा है हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो नो के बदले आपका ऑल नॉट ला रहा है, नो के बदले क्या ला रहा है आपका ऑल नॉट। ऑल मीन्स क्या होता है, सभी, और नॉट मीन्स नहीं, मतलब सभी नहीं, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं या फिर कोई नहीं बोल सकते। तो इन चीज़ों में दोनों में किसी प्रकार का डिफरेंसेस नहीं है आपका, दोनों आपका बराबर है ना। तो मेरे हिसाब से आपको इतना समझ में आया होगा, इतने में आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि इसको एक स्टेटमेंट कंक्लूजन, या फिर ऐसे बोलो कि ऐसे सर आप एग्जाम्पल के रूप में आप इसको समझा दीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसको हम एग्जाम्पल के रूप में इसको समझाएंगे, ठीक है। तो हम लोग एक स्टेटमेंट लिखते हैं, आप लोग बोर्ड पे देखना, क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड पे अपीयर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे इसका कैसे इसका सोल्यूशन किया जाएगा। तो पहला वाला हम लोग क्या लिख रहे हैं, अगर ये स्टेटमेंट में लिखा गया है कि नो ए इज बी, तो हम लोग को पता है ये नो का डायग्राम कैसा होता है, बस दो एक डायग्राम होता है, और दोनों डायग्राम का रिलेशन जो है वे एक दूसरे से नहीं होता है। जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप वहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, एक मान लीजिए ऐसा तो है नहीं, लेकिन आप लोग हमको भी देख रहे हैं और हम भी आप लोगों को देख रहे हैं, ठीक है। सॉरी, मैं नहीं देख रहा आप लोगों को, ठीक है। चलिए, तो कहना मतलब आपका ये है, कहने का मतलब कि आपका ए और बी का रिलेशन नहीं, मतलब मेरा आपका कोई रिलेशन नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है, दोनों के बीच में हम लोग अगर क्रॉस डाल दें तो कोई प्रॉब्लम होगा क्या, कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से इस क्वेश्चन का हम लोग आगे सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि कोई ए बी नहीं है, या फिर ऑल ए इज नॉट बी, या फिर नो ए इज बी, दोनों बात जो है आपका बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, ए को यहाँ लिखेंगे और हम लोग बी को क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे। फिर क्वेश्चन में बोला कि ऑल बी इज सी, सभी बी जो है आपका वो क्या है, सी है, तो सभी बी वाला पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, मतलब सी का जो बाउंड्री होगा उसके अंदर आपका बी टोटली क्या होगा, इंक्लूड होने वाला है। तो हम लोग सी को तो यहाँ रख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। आगे वाला एक और स्टेटमेंट आपका क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल क्या रहा है कि सम डी, सॉरी नो सी इज डी,
फिर क्या बोला कि कोई सी आपका डी नहीं है, कोई जो आपका सी है वो क्या है, डी नहीं है। कहने का मतलब है कि पहला स्टेटमेंट मेरा बोला था क्या कि कोई ए आपका बी नहीं है, मतलब ए से बी का कोई रिलेशन नहीं है और सभी बी आपका सी है। जब सभी बी सी होगा तो टोटल सी के अंदर जितना भी पूरा आपका बाउंड्री है इसका, उसके अंदर आपका इंक्लूड होगा भी कन्फर्म, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या बोला थर्ड वाला स्टेटमेंट में आपका कि सी, नो सी इज डी। कहने का मतलब है कि कोई भी आपका सी क्या है, डी होने वाला नहीं है। मतलब सी का डायग्राम और ये डी का डायग्राम, दोनों का डायग्राम जो है वो अलग अलग होगा, दोनों एक दूसरे को नहीं जानता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि सम डी इज ई। अब कुछ डी जो है आपका वो क्या है, ई है। कुछ डी जो है आपका वो ई है, कन्फर्म, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग चलेंगे कंक्लूजन की ओर, कंक्लूजन की। ये तो आपका स्टेटमेंट के हिसाब से मैंने फिगर बना दिया है ना, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, जिसको हम लोग बेसिक डायग्राम भी कहते हैं, ठीक है। ये मैंने फिगर बनाया, फिगर क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को बोर्ड पे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, यहाँ लिखा जाएगा इसका कंक्लूजन क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, जरा देखना ध्यान से कि अगर नो एज सी लिखे, नो ए एज सी लिखे, दूसरा मेरा यहाँ पे क्या लिखे, यहाँ पे नो बी इज डी, नो बी इज डी लिखे, ठीक है। तीसरा क्या लिखे यहाँ पे, नो डी इज बी लिखे, नो डी इज बी लिखे, ठीक है। फोर्थ वाला आपका क्या लिखे, फोर्थ वाला आपका लिखे क्या, नो सी इज ई, नो सी इज ए। फिर क्या लिखे यहाँ पे, नो बी इज ई, और आपका पांचवा क्या है, नो बी इज ई, ठीक है। तो आपका नो बी इज हो गया, इतना चीज आपका कंफर्म है। मतलब ये पांच कंक्लूजन पे हम लोग को क्या करना है कि नो वाला केस आपका जितना होगा सबको एक ही बार में क्या करेंगे, सीख लेंगे और वीडियो छोड़ के नहीं जाएंगे, और पूरा टोटली कंप्लीट करने के बाद हम लोग लाइक एंड सब्सक्राइब बटन क्या करेंगे, बिल्कुल दबा के निकलेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है आपका कि पहला वाला हम लोग क्या करते हैं, कंक्लूजन चेक करते हैं। तो पहले क्या था मेरा यहाँ कि हम लोग क्या करते थे, कंक्लूजन पढ़ते थे, है ना, हम लोग कंक्लूजन पढ़ते थे और ये फिगर जो है आपका उस पर हम लोग देखते थे क्या कि मेरा कंक्लूजन फिट बैठ रहा है तो ये सही है, अगर नहीं फिट बैठ रहा है तो मेरा ये क्या है, गलत है। लेकिन हम एक अलग तरीके का एक थोड़ा सा ट्रिक लाए हैं। ट्रिक कहने का मतलब क्या है, बस आपको, आप लोगों को एक चीज देखना है और एक चीज पे आप लोग कंफर्म कर लोगे कि क्या ये मेरा सही होने वाला है या फिर मेरा क्या होने वाला है, गलत होने वाला है। देखो जब भी आपका नो वाला केस आएगा, जब भी आपका नो का केस आएगा स्टेटमेंट में, जब भी आपका किसका केस आएगा, नो वाला का केस आएगा, तो उसमें हम लोग सम का पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। उसमें हम लोग किसका चेक करेंगे, सम का पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, किसमें, नो वाले केस में, किसमें करेंगे, नो वाले केस में। हम लोग नो वाला केस लिखा गया, नो वाले केस में हम लोग पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है। अगर सम का पॉसिबिलिटी सही हुआ, अगर सम का पॉसिबिलिटी सही हुआ तो नो वाला कंक्लूजन गलत हो जाएगा, ठीक है। नो वाला कंक्लूजन क्या होगा, गलत हो जाएगा। अगर सम का पॉसिबिलिटी गलत हुआ तो नो वाले का कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आपका। अब देखो कुछ नहीं है, मैंने जो लिखा उसको मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। क्वेश्चंस में क्या बोला कि अगर सम का पॉसिबिलिटी है ना, कैसे वो मैं बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करो थोड़ा सा। देखो नो वाला केस होगा, नो का स्टेटमेंट होगा, उसके बाद क्या है यहाँ पे कि अगर नो वाले केस में सम का पॉसिबिलिटी अगर सही होगा तो वो नो वाला कंक्लूजन गलत होगा, ठीक। जितना बोलना उतना याद करते जाना कि सम का पॉसिबिलिटी अगर सही तो नो वाला कंक्लूजन गलत, अगर नो वाला का, अगर सम का पॉसिबिलिटी गलत होगा तो नो वाला क्या हो जाएगा, मेरा सही हो जाएगा। अब देखो जितना भी आपका यहाँ पे लिखा गया सबके नीचे हम सम का पॉसिबिलिटी लिख देंगे, जितना भी आपका कंक्लूजन लिखा गया है सबके नीचे हम लोग क्या करेंगे, सम का पॉसिबिलिटी लिख देंगे, ठीक है। तो सम का पॉसिबिलिटी लिखेंगे तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, सम ए कैन बी सी, कुछ नहीं करना है, जिस आपका ऑर्डर में दिया गया जो आपका एलिमेंट है, जो आपका एलिमेंट है क्वेश्चन का, कंक्लूजन का, उसी एलिमेंट में हमको क्या करना है, कैन बी लगा देना है या फिर इज बीइंग पॉसिबिलिटी लगा देना है सम वाले के साथ। याद रहे कि जो भी आपका कंक्लूजन दिया गया है उस कंक्लूजन में आपका पॉसिबिलिटी लगाना, या तो कैन लगाओ या फिर इज बीइंग पॉसिबिलिटी लगाओ या फिर होने की संभावना लगाओ,
लेकिन सम वाले के साथ लगाना है, मतलब कुछ वाले के साथ लगाना है आपका। तो देखो यहाँ पे कि सम ए, सम ए कैन बी सी। अब देखो यहाँ पे कि सम ए कैन बी सी, कुछ ए के सी होने की संभावना है क्या? कुछ ए के सी होने की संभावना है, हाँ। ये जो आपका पार्ट है इसका तो मतलब बी वाले डायग्राम से नहीं, इसका मतलब किससे नहीं है आपका, बी वाले डायग्राम से नहीं है। लेकिन ये जो बाकी बचा, जो आपका ध्यान से देखना, बाकी जो बचा आपका ये सी वाला है यहां से लेकर यहां तक, इसमें तो ए इंक्लूड हो सकता है भैया, इसमें तो ए इंक्लूड हो सकता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब क्या है कि नो एज सी में सम ए कैन बी सी का पॉसिबिलिटी क्या है, सही है। और जब सम का पॉसिबिलिटी सही होता है, जब सम का पॉसिबिलिटी सही होता है तो नो वाला क्या हो जाता है, केस मेरा गलत हो जाता है। तो नो वाला केस मेरा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। आई बात समझ में, ठीक है। तो सम वाला जो है कुछ ए सी हो सकता है, कंफर्म हो सकता है इन द केस ऑफ पॉसिबिलिटी। और सम वाला जो है हमको पॉसिबिलिटी में चेक करना है, तो सम का जो केस है वो सही हो जाएगा इन द केस ऑफ पॉसिबिलिटी ए का सी के साथ। तो नो वाला पहला वाला कंक्लूजन क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि जब सम वाला सही होता है तो मेरा नो वाला क्या होता है, गलत होता है। और जब सम वाला गलत होता है तो नो वाला मेरा क्या होता है, सही होता है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, यहां लिखेंगे सम बी कैन बी डी, यहां लिखेंगे सम बी कैन बी डी, कुछ बी के डी होने की संभावना। इसको थोड़ा डिलीट कर देते हैं, यहां से फिगर क्लियर रहेगा, जल्दी कंक्लूजन वन बाय वन करके समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो फिर क्या है कि सम बी कैन डी, अब यहां लिखा गया है कि कोई बी आपका डी नहीं है, तो सम बी कैन बी डी, कुछ बी के डी होने की संभावना। थोड़ा एक ध्यान से बात सुनना मेरा, हम बताए थे पिछले वाला जो मेरा अपलोडेड वीडियो है पॉसिबिलिटी का, उस पॉसिबिलिटी वाले वीडियो में मैंने बताया था कि ना तो सियोरिटी में कोई पॉसिबिलिटी लगता है और ना ही आपका नो वाले केस में कोई पॉसिबिलिटी नहीं लगता है। मतलब जहां पे आपका नो लग गया, जहां पे रिश्ता टूट गया, जहां पे रिश्ता ब्रेक हो गया, वहां पे किसी भी प्रकार का पॉसिबिलिटी लगने का चांसेस नहीं है। कहने का ये मतलब है आपका कि अगर मेरा आपसे कोई मतलब नहीं है तो मेरा आपसे मतलब होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। हमेशा याद रखना, ये छोटा छोटा चीज है जो याद रखोगे तो 25% सिलोजिज्म जो है आपका ऐसे ही कंप्लीट हो जाने का चांसेस है, ठीक है। तो सम बी कैन बी डी, अब देखो क्या है कि सारा बी आपका सी है, यहाँ पे सारा बी आपका क्या है, सी है आपका दिया गया है। तो सारा बी आपका सी है और सारा सी आपका डी नहीं है, तो जब डी का रिलेशन सी से नहीं होगा तो D का रिलेशन आपका कभी भी B से हो सकता है क्या, कभी भी नहीं हो सकता है। और जब D का रिलेशन B से नहीं होगा मतलब ये sure है, अब ये sure है कि नहीं होगा, नहीं होने की संभावना है। तो सम B कैन बी D जो है ये तो मेरा गलत हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और जैसे ही सम का पॉसिबिलिटी गलत होगा मेरा ये वाला क्या होगा, कंक्लूजन मेरा सही हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलो उसके बाद क्या है आपका, यहां पे लिखा गया, इसमें इसके नीचे भी हम लोग लिख देते हैं क्या, सम डी कैन बी बी, मतलब कुछ डी के बी होने की संभावना है। अब देखो क्या है कि कुछ डी के बी होने की संभावना है, बस ये सेम सेम है, थोड़ा सा रिवर्स कर दिया गया। कंक्लूजन नंबर दो और कंक्लूजन नंबर तीन जो है आपका वो रिवर्स कर दिया गया, बाकी दोनों में नो लगा हुआ है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया है और आपका ऑब्जेक्ट को क्या किया है, सब्जेक्ट बनाया। तो देखो कुछ यहाँ डी और बी का तो रिलेशन पहले से नहीं भैया, हमको तो पता ही नहीं कि यहाँ पे डी और बी का रिलेशन नहीं होने वाला, इन द केस ऑफ पॉसिबिलिटी भी क्या होगा, नहीं होगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या है कि जब ये सम डी कैन बी ये जब गलत होगा तो ये मेरा कंक्लूजन क्या हो जाने वाला है, सही हो जाने वाला, कन्फर्म, कोई प्रॉब्लम नहीं। चौथे नंबर वाले कंक्लूजन में आ जाइए, चौथे नंबर वाला कंक्लूजन क्या है यहाँ पे, सम, ठीक है, सम सी, सम सी कैन बी ई, यहां लिखते हैं सम सी कैन बी ई, कुछ सी के ई होने की संभावना है। अब देखो कुछ ई के सी होने की संभावना है कि नहीं, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि ई वाला जो खाली वाला पार्ट है वो तो सी में इंक्लूड हो ही सकता है, उसको डी और सी से कोई मतलब है ही नहीं, वो तो नॉन डिफाइंड है। और नॉन डिफाइंड मेरा जो डाउटफुल होता है वो पॉसिबिलिटी में हमेशा क्या होता है, सही होता है ना। तो यहां मेरा सी और ई का रिलेशन है नहीं, जब ये सी और ई का रिलेशन है नहीं तो मेरा क्या हो सकता है, वो सही हो सकता है इन द केस ऑफ पॉसिबिलिटी सम वाले केस में। और वही बात यहां लिखा गया तो ये सही होगा, तो ये फोर नंबर कंक्लूजन आपका गलत होगा कि नहीं, क्योंकि सम का पॉसिबिलिटी सही हो रहा है तो नो वाला केस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्या है आपका कि नो बी सी, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, सम बी
कैन बी ई, यहाँ लिखेंगे कि कुछ बी के ई होने की संभावना है। अब कुछ बी के ई होने की संभावना है, श्योर कुछ बी जो है आपका ई हो सकता है। बी का रिलेशन सी से ऑल वाले केस में, सी का रिलेशन डी से नहीं है, जब सी का रिलेशन डी से नहीं है तो डी का रिलेशन किससे नहीं होगा, बी से नहीं होगा। लेकिन बी और ई जो है वो तो नॉन डिफाइंड है ना, कहने का मतलब ये तो डाउटफुल है। जब ये डाउटफुल है तो डाउटफुल प्लस पॉसिबिलिटी हमेशा मेरा क्या होता है, सही होता है। तो सम बी कैन बी ई यहाँ मेरा सही होगा, तो ये पांचवा नंबर वाला मेरा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये कन्फर्म हो गया, आप लोग को समझ में आया होगा जो मैंने बताया अभी, काफी अच्छे से बताया है ना, कि ये जो आपका स्टेटमेंट, जो आपको फिगर, आपका क्वेश्चन दिख रहा होगा बोर्ड पे, दिखा था बोर्ड पे, ठीक है, उसके हिसाब से मैंने ये फिगर ड्रॉ किया। और जब ये मैंने फिगर ड्रॉ किया तब क्या है, इसके हिसाब से मैंने कुछ कंक्लूजन यहाँ पे मेंशन कर दिया, मैंने कुछ कंक्लूजन यहाँ पे लिखा, जिसमें से आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांच कंक्लूजन है आपका। इस पांच कंक्लूजन में क्या है आपका, कि सबके नीचे एक सम वाला केस लिखा गया है। देखो सबके नीचे एक सम वाला केस लिखा गया है। और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, एक बार और मैं अपनी बातों को रिपीट कर रहा हूँ, कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर सम वाला का पॉसिबिलिटी, सम का पॉसिबिलिटी अगर आपका सही होता है तो नो वाला केस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नो वाला केस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या आपका, कि अगर यहाँ पे, अगर यहाँ पे नो, अगर यहाँ पे सम का पॉसिबिलिटी अगर गलत होता है तो आपका नो वाला जो है वो क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो इस पांच एग्जांपल के हिसाब से मैं ये श्योर हूं, मैं ये कंफर्म हूं, आप लोग अपने कमेंट में बताना कि आप लोग कंफर्म हो या नहीं हो, लेकिन मैं इतना कंफर्म हूं कि जब भी आपका नो वाला का फिगर है, जब भी आपका नो स्टेटमेंट करके फिगर है, तो हम लोग सम का पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, है ना, और इन सारे डायग्राम के रूप से या फिर इन सारे कंक्लूजन के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे इस चीज को, और ये कंफर्म बनेगा। बस विश्वास रखो और मेहनत करो सही डायरेक्शन में, गलत डायरेक्शन में मेहनत कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो आप जब तक संतुष्ट नहीं हो तब तक आप दूसरों को मत बताओ चीज, और संतुष्ट तभी होगे जब ये वाला वीडियो आप लोग अच्छे से वॉच करोगे, अच्छे से समझोगे, नहीं समझ में आएगा फिर से मेरे से पूछोगे, ठीक है। अब ये चीज हो गया आपका, दूसरा क्या है कि नो वाला कंप्लीट हो गया। दूसरा मेरा है आपका सम नॉट वाले पे आते हैं हम लोग। सम नॉट वाले का भी एकदम ट्रिक गजब है, एकदम जिसको बोलते हैं ना जादू, है ना, वैसे ही पलक झपकते आपका क्वेश्चन जो है बहुत कम देर में आपका बन जाने वाला है। तो हम लोग नो वाला केस क्या कर लिए, यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। और हम लोग अब क्या करेंगे, सम नॉट वाले केस को देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, सम नॉट वाले केस को देखेंगे। ठीक है, तो यहां लिखेंगे आपका सम नॉट। अब देखो नो वाला केस हम लोगों ने सीखा, बाद में हम लोगों ने सम नॉट वाला केस सीखेंगे, अभी जस्ट सीखेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है यहाँ पे, कि सम नॉट वाले केस में आपका, आप लोगों को, कितने लोगों को फिगर बनाना नहीं आता, सम नॉट का सर फिगर कैसे बनेगा, सर ये सम नॉट है क्या, सम नॉट का मतलब कुछ नहीं होता है तो नो भी इंक्लूड होगा, इन सारे बातों को क्या करो आप लोग, छोड़ दो, गंगा जी में बहा दो, ठीक है। जाकर चुपचाप जितने भी आपके माइंड में कचरे हैं सबको जाकर वहां स्वाहा कर दो, और यहाँ आकर आपको क्या करना है, फिर से नया चीज को सीखना है जो एकदम कन्फर्म है, एग्जाम के रेलिवेंट है। तो आइए हम लोग सीखते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात करते हैं आप लोगों से कि इसका फिगर कैसे बनेगा, ठीक है, इसका फिगर कैसे बनेगा। देखो क्या है, यहां लिखेगा क्वेश्चन में क्या लिखेगा, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। तो मेरे हिसाब से जो फिगर होना चाहिए वो एक्यूरेट फिगर क्या होना चाहिए, मेरे हिसाब से जो फिगर होना चाहिए वो एक्यूरेट फिगर ये होना चाहिए आपका, कि यहां पे बोला गया कि कुछ जो ए वाला पार्ट है, कुछ जो ए वाला पार्ट है वो क्या है, बी नहीं। ये मेरे हिसाब से कन्फर्म फिगर, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद बोले कि कुछ भी सी नहीं, तो हम लोग वैसे ही बनाएंगे यहाँ पे, कुछ भी आपका क्या है, सी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। लेकिन अभी तक चर्चा हम लोग सिर्फ ए और बी का कर रहे हैं, तो बच्चों सिर्फ हम ए और बी तक का ही बात करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमेशा जीरो लेवल से स्टार्ट होना चाहिए। मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो सम ए आर नॉट बी यहाँ लिखा गया है, तो जैसे ही यहाँ पे सम ए आर नॉट बी लिखा गया है, तो कितने लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी ऐसे फिगर बनाते हैं और ए वाला जो पार्ट है वो कुछ पार्ट बी का नहीं होगा ऐसा करके, तो ये फिगर गलत है आपका, ये फिगर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
ठीक है, तो ये वाला आपका फिगर क्या हो जाए, गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं बनाते, ये नॉन डिफाइन है, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, आप हाँ भी ले रहे हैं और आप ना भी ले रहे हैं, तो ये तो गलत हो गया ना आपका। तो हमेशा फिगर ऐसे बनाइएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके क्वेश्चन पे आते हैं। इसका क्वेश्चन जो हम लोग देख लेंगे, हम लोग जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब क्या है, कंडीशन इसमें दो है आपका। कंडीशन दो कहने का मतलब क्या, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। कंडीशन दो है कि पहला तो स्टेटमेंट में सम नॉट आएगा, है ना, दूसरा आपका किस चीज में आएगा, दूसरा आपका कंक्लूजन में आने वाला है, दूसरा आपका किस में आने वाला है, कंक्लूजन में आने वाला है। अब देखिए, अब क्या है आपका कि सबसे पहले हम लोग यहाँ लेकर चलते हैं, सबसे पहले हम लोग लेकर चलते हैं एक यहाँ पे थोड़ा सा कंक्लूजन बेस्ड को ही पहले ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में लिखा जाएगा यहाँ पे कि सम ए आर बी, क्वेश्चन में लिखा जाएगा सम सम ए आर बी लिखा जाएगा, ठीक है। फिर लिखा जाएगा नो बी इज सी, फिर क्या लिखा जाएगा, नो बी सी लिखा जाएगा, फिर ऑल सी इज डी, फिर आपका ऑल क्या हो जाएगा, सभी सी आपका डी है, ठीक है। चलिए अब ये हो गया, अब हम क्या करते हैं, कंक्लूजन लिखते हैं इसका। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि आपका सारा जो है कंक्लूजन यहाँ पे लिखा गया है। इसका आपका चार कंक्लूजन मैंने यहाँ पे लिखा है, ये चार कंक्लूजन से प्रूफ हो जाएगा कि हम लोग सम नॉट वाले केस को कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये आपका कंक्लूजन में सम नॉट है, स्टेटमेंट वाला भी हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जैसे हम लोग नो वाले केस में बताए थे क्या कि भैया आप क्या करना कि सम का पॉसिबिलिटी जो होगा वो सम का पॉसिबिलिटी आप चेक करना कि अगर सम का पॉसिबिलिटी सही हुआ तो नो वाला केस गलत, अगर सम का पॉसिबिलिटी गलत हुआ तो नो वाला केस मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सेम उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि ऑल का पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, यहाँ हम लोग क्या करेंगे ऑल का पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, तभी आपका सम नॉट वाला जो केस है, ठीक है, सम नॉट वाला जो केस है आपका वो क्या होगा, अगर ऑल का पॉसिबिलिटी आपका सही तो सम नॉट वाला गलत, अगर ऑल का पॉसिबिलिटी आपका गलत तो सम नॉट वाला क्या हो जाएगा, सही। बस इसके पहले वाला जो मैंने बताया कॉन्सेप्ट उससे बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, बस दोनों का एलिमेंट अलग है यहाँ पे, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है आपका। चलिए उसके बाद हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, देखते क्या है कि जैसे हम लोग नो वाले में सारे कंक्लूजन के नीचे हम लोगों ने सम लिखा था, सारे कंक्लूजन के नीचे हम लोग क्या लिखा था, सम लिखा था, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि सारा सम नॉट वाला आपका जो कंक्लूजन है, सारा सम नॉट वाला जो भी आपका कंक्लूजन है उन सारों के नीचे, उन सारे कंक्लूजन के नीचे हम लोग क्या करेंगे ऑल लिख देंगे, ठीक है। कोई परेशानी वाला बात नहीं है, आपको अभी ये लिखना पड़ रहा है, जब ये प्रैक्टिस करोगे आप लोग तो बस सोचना पड़ेगा, लिखना नहीं पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो पहला वाला क्या है, ऑल ऑल ए कैन बी सी, ठीक है। इसके बाद क्या है, ऑल सी कैन बी ए, ठीक है। उसके बाद ऑल बी कैन बी डी, फिर आपका चौथा लास्ट है ऑल डी कैन बी डी। मैंने कोई चेंजेस नहीं किया है, बस सम नॉट की जगह ऑल रखा है, और ऑल रखा वो मैंने पॉसिबिलिटी में, याद रखिएगा कि ऑल जो है वो पॉसिबिलिटी में होना चाहिए, तभी सम नॉट का केस क्या होगा, सही या गलत आप कुछ भी क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंक्लूजन। अब देखो क्या है यहाँ पे, पहला वाला मेरा यहाँ पे क्या दिया गया है, ठीक है, ये लिखा गया सम ए आर नॉट सी, कुछ ए जो वो सी नहीं है। तो ऐसे भी हम लोगों ने पढ़ा होगा, अगर सिलॉग्स हम लोगों ने पढ़ा होगा तो ये चीज़ पढ़ा होगा कि कुछ ए सी नहीं है, मतलब ए से जो बी वाला पार्ट रिलेटेड है ये वाला पार्ट कभी भी सी नहीं हो सकता, अगर ये सी हो जाएगा तो साथ में बी को भी खींच के ले आएगा, और इनमें से थोड़ा सा जो बी है वो ए में इंक्लूड है जो आपका सी नहीं है, कन्फर्म। तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही। लेकिन अब इस पे आते हैं, ट्रिक पे आते हैं, जो मैंने अभी जस्ट बताया है उस ट्रिक के अनुसार हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि ऑल ए कैन बी सी, सभी ए के सी होने की संभावना है, या फिर सभी ए सी हो सकता है क्या, सभी ए जो है वो सी हो सकता है क्या, देखिए तो सभी जब ए सी हो जाएगा तो बी का कुछ पार्ट जो सी नहीं है वो भी खींच के ले आएगा,
आएगा कि नहीं? जब ये खींच के जैसे ही लाएगा तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो सभी ए सी नहीं हो सकता, तो ऑल वाला पॉसिबिलिटी गलत, तो सम नॉट वाला क्या हो जाएगा मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्या है कि सम सी आर नॉट ए, कुछ जो है सी आर नॉट ए, कुछ सी ए नहीं है, तो हम लोग को क्या करना है, ऐसे भी चेक कर सकते हैं या फिर ऑल वाले पे करेंगे, तो ट्रिकी मेथड से हम लोग अब आते हैं। पहला वाला तो मैंने एग्जांपल के साथ समझा दिया, अब दूसरा वाला हम लोग ट्रिकी मेथड के हिसाब से आते हैं। ऑल सी कैन बी ए, सभी सी ए हो सकता है क्या? तो देखो सी का रिलेशन सिर्फ और सिर्फ आपका बी से नहीं है, मतलब ये जो डायग्राम है इससे नहीं है, लेकिन ये वाला पार्ट खाली है, तो सी यहाँ फिर भी बी और सी का कोई रिलेशन नहीं होगा, तब तो हो सकता है, तो सभी सी ए हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, तो दूसरा वाला कंक्लूजन मेरा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, मतलब ऑल वाला का पॉसिबिलिटी सही, तो सम नॉट वाला का क्या हो जाएगा मेरा कंक्लूजन गलत हो जाएगा। चलो आई बात होगी समझ में, नेक्स्ट वाले पे बढ़ते हैं, एकदम ध्यान से देखना नेक्स्ट वाला फिर से। ऑल बी कैन बी ए, पहला वाला ये थर्ड वाला स्टेटमेंट क्या लिखा मेरा कि सम बी आर नॉट डी, कुछ जो बी है वो डी नहीं है, ऐसा लिखा गया, ठीक है, कुछ जो बी है वो क्या है डी नहीं है आपका। तो हम लोग पुराने वाले कॉन्सेप्ट पे नहीं जाएंगे, हम लोग नया वाला ट्रिक लगाएंगे ऑल और सम नॉट का, ठीक है। तो ऑल पॉसिबिलिटी में ऑल बी कैन बी ए, सभी बी आपका ए हो सकता है क्या, मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं कि ऑल बी इज बीइंग ए इज ए पॉसिबिलिटी, मतलब सभी बी के डी, सॉरी ऑल बी इज डी बीइंग पॉसिबिलिटी, सभी बी के डी होने की संभावना है, सभी बी के डी होने की संभावना है, सभी बी वाला पार्ट उठकर यहाँ आता है, तो बी और सी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सी जो है यहीं तक है और पूरे डी के अंदर आपका सी इंक्लूड है, तो डी का कुछ ना कुछ तो हिस्सा खाली जिसमें आपका सारा बी एडजस्ट हो सकता है, तो ये वाला मेरा क्या है सही हो जाएगा, तो ये वाला कंक्लूजन मेरा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए फोर्थ आपका क्या है कि सम डी आर बी, कुछ जो डी है वो बी है, ऐसा लिखा गया है, कुछ जो डी है, सॉरी सम डी आर नॉट बी होगा ना, गलती हो गया था, सम डी आर नॉट बी, ठीक है, कुछ जो डी है वो बी नहीं है। अब हम लोग ऑल पे चेक करेंगे, ऑल डी कैन बी ए, ऑल डी कैन बी ए, सभी डी बी हो सकता है क्या, सभी डी बी हो जाएगा, तो सी को भी साथ में खींच कर ले जाएगा, जब ये सी को साथ में खींच कर ले जाएगा तब तो होने वाला है नहीं, तो ये वाला गलत और ये चौथा वाला आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो आई बात समझ में, यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को, है ना, अगर नहीं आई तो फिर से वीडियो को बैक करके देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल भी समझ में आएगा आप लोगों को, कोई किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके भी आप लोग लिख सकते हैं या फिर हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। ये स्टेटमेंट वाला हो गया आपका कंक्लूजन वाला सम नॉट हो गया, अब हम लोग क्या करते हैं स्टेटमेंट पे आते हैं, स्टेटमेंट वाला जो कंक्लूजन है उस पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट आपका क्या लिखा है कि सम पेन आर नॉट बुक, सम पेन आर नॉट बुक, सम पेन आर नॉट बुक, यहां पे पेन देखना ध्यान से, सम पेन आर नॉट बुक लिखा गया है, ठीक है, तो सम पेन सही है। दूसरा क्या, ऑल बुक आर बैड, ऑल बुक आर क्या हो जाएगा बैट, सम बैट आर नॉट पेंसिल, सम बैट आर नॉट पेंसिल हो जाएगा आपका यहां पे, ठीक है। जब सम बैट आर नॉट पेंसिल हो जाएगा यहां पे, तो इसका रिलेशन नहीं होगा सम नॉट वाले केस में। अब हम लोग पहला वाला कंक्लूजन पे आते हैं, पहला वाला कंक्लूजन क्या लिखा है ध्यान से देखना, सम पेंसिल आर नॉट बुक, सम पेंसिल्स आर नॉट बुक। दूसरा वाला कंक्लूजन क्या लिखा है, सम बैट आर नॉट पेन, सम बैट आर नॉट पेन, ठीक है। थर्ड वाला कंक्लूजन क्या लिखा है, ऑल ऑल पेंसिल आर पेन लिखा है आपका, ठीक है। तो ये तीनों कंक्लूजन को आप लोग देखो कौन सा सही है और कौन सा आपका गलत है। ठीक है,
तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब हम लोगों ने क्या बताया था कि अगर सम नॉट वाला को, अगर सम नॉट वाला कंक्लूजन हमें को चेक करना है तो हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, सेम एलिमेंट के साथ हम लोग ऑल और कैन भी लगा देंगे, अगर वो सही तो कंक्लूजन गलत, अगर वो गलत तो कंक्लूजन मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लगाएंगे क्या, ऑल पेंसिल कैन बी बुक। ठीक है, ऑल पेंसिल कैन बी बुक। अब देखो क्या है, पहला वाला ऑल पेंसिल कैन बी बुक आ गया, तो क्या सभी पेंसिल जो है वो बुक हो सकते हैं, क्या सभी पेंसिल आपका बुक हो सकते हैं? तो यहां बोला क्या कि बैट का कुछ पार्ट आपका पेंसिल नहीं है, लेकिन सभी पेंसिल वाला जो है वो आपका क्या हो सकता है, बुक तो हो ही सकता है। तो यहाँ क्या, पहला वाला सही, तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, बोला जाएगा क्वेश्चन में क्या कि क्लास के, या फिर क्लास का ऑप्शन ले लो या फिर किसी और चीज का ऑप्शन ले लो, हाँ क्लास का ही ऑप्शन ले लो, क्लास में आपका 100 लोग हैं, है ना, 100 में से बोला क्या कि सम आपका कुछ भी हो सकता है। क्लास के कुछ बच्चे जो है वो इंटेलिजेंट है, क्लास के कुछ बच्चे क्या है आपका, इंटेलिजेंट है, तो क्लास का कुछ ही बच्चा इंटेलिजेंट हो रहा है ना, लेकिन सारा इंटेलिजेंट बच्चा तो क्लास का ही है और वो सम वाले केस में, तो ये कन्फर्म है आपका कि पेंसिल का सारा पार्ट जो है, सारा इंटेलिजेंट जो होगा बच्चा वो तो यहाँ आ सकता है, कन्फर्म है ना, लेकिन ये सारा बच्चा इंटेलिजेंट तो नहीं हो सकता ना, ये सारा बैट तो आपका पेंसिल नहीं हो सकता। वही पॉसिबिलिटी में यहाँ क्या किया है कि ऑल पेंसिल कैन बी बुक, सभी पेंसिल के बुक होने की संभावना, तो सभी पेंसिल वाला आपका क्या हो जाएगा, पार्ट आपका बुक हो जाएगा, तो ये सही होगा। तो पहला वाला कंक्लूजन क्या होने वाला है, गलत होने वाला। ठीक है, दूसरा वाला लिखेंगे क्या कि ऑल बैट कैन बी पेन, सभी बैट के पेंसिल होने की संभावना है, या फिर सभी बैट आपका क्या है, पेन है, सभी बैट आपका क्या है, पेन है, तो सभी बैट, देखो सभी बैट के पेन होने की संभावना है क्या, सभी बैट के पेन होने की संभावना है। थोड़ा सा ध्यान देना कि यहां क्या है, यहां मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं, थोड़ा सा एकदम यहां थोड़ा सा ध्यान देना कि लिखेगा क्या कि कुछ ए आपका बी नहीं है और सभी बी आपका क्या है, सी है। ठीक है, सभी बी आपका क्या है, सी है। तो पहले कुछ ए बी नहीं पे हम लोग समझ लेते हैं कि कुछ ए बी नहीं है, लेकिन सारा बी जो है वो ए हो सकता है, ऑल बी कैन बी ए। ठीक है, मतलब ऑल बी इज ए बीइंग पॉसिबिलिटी, कुछ ए आपका बी नहीं है, लेकिन सभी बी तो ए हो सकता है, मतलब क्लास के कुछ बच्चे इंटेलिजेंट है, मतलब सारे इंटेलिजेंट तो बच्चे हो सकते हैं ना, सारे इंटेलिजेंट क्या हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, तो सेम कंडीशन है, जब ये बी हो सकता है तो ये सी भी हो सकता है, और वही बात है कि सभी बैट के पेन होने की संभावना है, मतलब ऑल बैट कैन बी पेन की सभी बैट पेन हो सकते हैं, तो ये सही है, जब ये सही है तो ये वाला कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या लिखा कि ऑल पेंसिल आर नॉट पेन, भैया इसमें कोई सम नॉट नहीं लगा है, तो जब सम नॉट नहीं लगा है तो ऑल पेंसिल आर पेन, सभी पेंसिल पेन है क्या, ये तो ऐसे ही गलत है। तो आई होप कि समझ में आया होगा, ये समझना काफी जरूरी है, ये वाला चीज जो मैंने अभी समझाया एक बार फिर से समझो, एक बार फिर से समझ लो मैंने क्या समझाया, कोई भी 1% भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्रिस्टल जैसा क्लियर होना चाहिए आप मेरा कॉन्सेप्ट, बस मैं यही जानता हूँ। यहाँ लिखा क्या कि कुछ ए आपका बी नहीं है, जब कुछ ए आपका बी नहीं है मतलब क्या है कि फिर से एक बार एग्जांपल देता है दे रहा हूँ कि 100 बच्चों में से कुछ बच्चे इंटेलिजेंट है, तो सभी इंटेलिजेंट तो बच्चे ही होंगे ना, सभी इंटेलिजेंट क्या होने वाले, बच्चे होने वाले, तो कुछ ए आपका बी नहीं है तो सभी बी ए हो सकता है, ऑल बी कैन बी ए, और ये जब सभी बी ए हो सकता है तो आपका सभी सी भी क्या हो सकता है, ए हो सकता है। बस मैंने इसी के बेसिस पे सेकंड वाला का पॉसिबल कंक्लूजन सही किया है, जब ऑल का पॉसिबल कंक्लूजन सही है तो मेरा बेसिक कंक्लूजन जो सम नॉट का था वो वाला मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में, कोई भी परेशानी नहीं मेरे हिसाब से। चलिए अब इसका ऑप्शन देख लीजिए, इसका ऑप्शन क्या दिया गया है, ऑप्शन दिख रहा होगा आप लोगों को बोर्ड पे, ऑप्शन ए नंबर दिया गया है ओनली 1 फॉलो, ऑप्शन बी दिया गया है ओनली 2 फॉलो, ठीक है, ऑप्शन सी दिया गया है इधर
वन और टू फॉलो, ठीक है। ऑप्शन डी दिया गया है नन इज फॉलो, ऑप्शन ई दिया गया है नन ऑफ दिस, ऑप्शन आपका ई दिया गया है नन ऑफ दिस। अब देखना क्या है, ये मेरा चार और पांच वाला जो कंक्लूजन है, ये मेरा चार और पांच वाला जो कंक्लूजन, उसमें डिफरेंसेस क्या है। जब भी आपका कंक्लूजन दो से ज्यादा रहे, मोर देन टू रहे, और दोनों गलत हो, या फिर तीनों गलत हो, या फिर चारों गलत हो, है ना, या फिर सभी गलत हो, तो मेरा नन ऑफ नन इज फॉलो लगेगा। हमेशा याद रखना कि मेरा कंक्लूजन, अगर मेरा कंक्लूजन जो है वो दो से ज्यादा है और सारा गलत है, तो मेरा क्या लगेगा, नन इज फॉलो, ठीक है। उसके बाद अगर दो रहे तो कंक्लूजन क्या, नन ऑफ दीज हो जाएगा, मतलब इन दोनों में से कोई नहीं फॉलो कर रहा है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि दो से ज्यादा कंक्लूजन रहे तो आपका सारा गलत हो, तो आंसर क्या हो जाएगा, नन इज फॉलो, दो से ज्यादा होना चाहिए, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन भी आपका एग्जांपल्स करवाना जरूरी है, अगर एग्जांपल्स नहीं होता है तो कॉन्सेप्ट का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तो आपका एग्जांपल क्या है कि सम रोड आर कार, स्टेटमेंट दिया गया है सम रोड आर कार, पढ़िएगा सम रोड आर कार। तो मैं फिगर बना ले रहा हूँ, सम रोड आर क्या लिखा है यहाँ पे, कार लिखा है, ठीक है। फिर क्या लिखा कि सम कार आर ट्रक, सम कार आर ट्रक, टी आर यू सी के, ठीक है। ऑल ट्रक आर बस, ऑल ट्रक आर क्या लिखा है यहाँ पे, बस लिखा है। ऑल बसेस आर साइकिल, और सभी बस क्या है आपका, सी वाई सी एल ई, साइकिल है। नो साइकिल आर बाइक, नो साइकिल आर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बाइक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग पहला वाला कंक्लूजन देखते हैं, एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। सम कार आर नॉट बाइक, कुछ जो कार है वो बाइक नहीं है। सम ए आर नॉट सी, याद कीजिएगा सम ए आर नॉट सी, कुछ जो कार है वो ट्रक से रिलेटेड है, वो आपका बस से रिलेटेड है, वो आपका साइकिल से रिलेटेड है। सम के केस में जब ये से रिलेटेड है और कोई भी साइकिल बाइक नहीं है, तो ये वाला पार्ट जो कभी ये होगा क्या, नहीं होगा, तो पहला वाला सही। दूसरा वाला कि सम बाइक आर नॉट रोड, कुछ जो बाइक है वो रोड नहीं है, तो ये हम लोग थोड़ी ना बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि ऑल बाइक कैन बी रोड, सभी बाइक के रोड होने की संभावना है। जब ये ऑल वाला कंडीशन सही हो जाएगा तो यहाँ सम नॉट का कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। सम रोड आर नॉट बाइक, सम रोड आर नॉट बाइक, कुछ जो रोड है वो बाइक नहीं है, तो क्या करेंगे, ऑल रोड कैन बी बाइक, ये तो हम लोग कर सकते हैं ना कि ऑल रोड कैन बी बाइक, सभी रोड के बाइक होने की संभावना, तो ये तो सही हो जाएगा मेरा कि रोड और बाइक, ये आपका डाउटफुल है, तो इसमें पॉसिबिलिटी ऑल और सम का मेरा क्या होता है, सही होता है। तो मेरा मेन कंक्लूजन वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा कंफर्म। फोर्थ वाला है कि सम बस आर नॉट बाइक, कुछ जो बस है वो बाइक नहीं है, कुछ जो बस है वो क्या है, बाइक नहीं है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे क्या है? कुछ बस बाइक नहीं है, तो ऑल बस कैन बी बाइक, ये होगा क्या, ये तो सही नहीं होगा ना, क्योंकि सभी बस बाइक हो ही नहीं सकता है। जब ऑल का पॉसिबिलिटी गलत, तो मेरा ये वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, मेरा सही हो जाएगा, मतलब एक और चार आपका क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला आते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिखा है कि ऑल केक आर स्वीट्स, ऑल केक आर क्या लिखा, स्वीट, नो स्वीट इज चॉकलेट, ठीक है। ऑल स्वीट्स आर गुड, ऑल स्वीट्स आर क्या हो जाएगा, गुड, ठीक है। सम गुड आर बेस्ट, सम गुड आर क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे, बेस्ट हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब पहला वाला मेरा कंक्लूजन क्या है, दूसरा वाला, तीसरा वाला, सम चॉकलेट आर नॉट बेस्ट, सम चॉकलेट आर नॉट बेस्ट, ठीक है। तो हम लोग ऑल का चेक कर लेंगे यहाँ पे कि सम चॉकलेट आर नॉट बेस्ट लिख रहा है, मतलब ऑल चॉकलेट कैन बी बेस्ट, यही चेक कर सकते हैं ना सम नॉट वाले में, हम लोग सम नॉट वाले में ऑल का चेक करते हैं, मतलब सभी चॉकलेट बेस्ट हो सकते हैं क्या, हाँ हो सकते हैं, मतलब पहला वाला कंक्लूजन क्या हो, गलत हो गया। और पहले वाले कंक्लूजन में क्या लिखा था कि सम चॉकलेट आर नॉट बेस्ट, यहाँ सम चॉकलेट आर नॉट बेस्ट का कोई रिलेशन अनडिफाइंड है, ये डाउटफुल है ना, तो
तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए हम लोग पॉसिबिलिटी पे चेक कर लिए। पॉसिबिलिटी पे क्या चेक किए, ध्यान दीजिएगा कि सभी चॉकलेट बेस्ट हो सकते हैं, तो सभी जब सही होता है पॉसिबिलिटी में तो आपका कंक्लूजन क्या, सम नॉट वाला गलत हो जाता है। दूसरा वाला क्या है कि सम चॉकलेट आर नॉट गुड, कुछ जो चॉकलेट है वो गुड नहीं है, सम चॉकलेट आर नॉट गुड, यहाँ पे लिखा गया कुछ चॉकलेट गुड नहीं है, मतलब सभी चॉकलेट गुड हो सकते हैं क्या, हाँ सभी चॉकलेट आपका गुड हो सकते हैं, मतलब ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, सम गुड आर नॉट चॉकलेट, सम गुड आर नॉट चॉकलेट, तो गुड चॉकलेट, कुछ गुड आपका चॉकलेट नहीं है, तो सभी गुड चॉकलेट हो सकते हैं क्या, हम लोग ये चेक करेंगे। जहां पे सम नॉट लगा रहे वहां पे हम सभी का पॉसिबल डायग्राम चेक करेंगे, सम गुड आर चॉकलेट हो सकता है, नहीं हो सकते क्योंकि स्वीट वाला का रिलेशन नहीं चॉकलेट के साथ, तो ये वाला गलत हो जाएगा पॉसिबिलिटी में, तो ये वाला मेरा डायरेक्ट टाइप में क्या होने वाला है, सही वाला कंक्लूजन हो जाए। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका क्या है, लास्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सम ब्लू आर ग्रीन, सम ब्लू आर क्या है, ग्रीन है, सम ग्रीन आर पिंक है, ठीक है, ऑल पिंक आर क्या है, येलो, नो येलो इज ब्लैक, कोई भी येलो क्या है वो ब्लैक नहीं है। ठीक है, सम ब्लैक आर रेड, और कुछ जो ब्लैक है वो आपका क्या है, रेड है। तो पहला, दूसरा और मेरा तीसरा कंक्लूजन यहां पे हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहला वाला कंक्लूजन चेक करते हैं, देखते क्या है कि सम ब्लैक आर नॉट पिंक, सम ब्लैक, ब्लैक यहां पे और यहां पे पिंक दिया गया है, तो ऑल का पॉसिबल डायग्राम चेक करेंगे कि सभी ब्लैक पिंक हो सकते हैं क्या, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, जब ये ऑल में पॉसिबल नहीं है आपका तो ऐसे मेरा डायग्राम क्या होने वाला है, सही होने वाला है। ठीक है, सम रेड आर नॉट येलो, 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 मतलब कुछ रेड येलो नहीं है, तो सभी रेड येलो हो सकते हैं क्या, तो सभी रेड अगर येलो हो जाएगा तो कुछ ये वाला पार्ट भी जाएगा, तो ये नहीं हो सकता, मतलब ये गलत होगा, तो ये वाला कंक्लूजन मेरा क्या होने वाला है, सही होने वाला है। तीसरा क्या है एकदम कि सम रेड आर नॉट ग्रीन, सम रेड आर क्या लिखा है, नॉट ग्रीन, सम रेड आर नॉट ग्रीन, ठीक है, ये यहां पे लिखा है, तो हमको देखना क्या कि ऑल का पॉसिबिलिटी चेक करना है कि ऑल रेड कैन बी ग्रीन, ऑल रेड क्या है, कैन बी ग्रीन, मतलब सभी रेड के ग्रीन होने की संभावना है या हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, मतलब ये वाला कंक्लूजन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक मेरे हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं फेस करना पड़ा होगा, एकदम मैंने क्या किया, एकदम शॉर्टकट ट्रिक से मैंने सारे चीजों को बताया आपका स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक में, तो हम लोग एक जीरो लेवल से स्टार्ट किए और हम लोग पहुंचे कहां, एक हीरो लेवल तक पहुंचे हैं। तो इस चीज को कंटिन्यू बनाने के लिए आप लोगों को करना क्या पड़ेगा कि आप लोग कम से कम क्वेश्चन जो है नो वाला का 200 क्वेश्चन और सम नॉट वाला का 200 क्वेश्चन आप लोग बनाओ, अगर नहीं पॉसिबल हो सके बेटा तो पढ़ाई छोड़ दो। ठीक, क्योंकि मैं जो भी चीज बताता हूँ एकदम कन्फर्म बताता हूँ, ये ब्रह्मा का लकीर नहीं है, कुणाल का लकीर है, कभी भी गलत होने वाला चांसेस, गलत होने का कभी भी चांसेस नहीं है आपका। तो एक काम करो, यहाँ पे 200 क्वेश्चंस बनाओगे, 5 दिन लगे 4 दिन लगे डजंट मैटर, एग्जाम से पहले होना चाहिए। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मेरे कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, है ना, उस कमेंट बॉक्स का मैं लिटरली बहुत अच्छे तरीके से जवाब दूंगा, नहीं समझोगे मैं समझाऊंगा उस चीज को वहां पे, है ना, या फिर दूसरे वीडियो में आपके आपकी बातों को लेकर आऊंगा, आपके प्रॉब्लम्स को लेकर आऊंगा। अभी ये सिलोजिस्म जो है वो खत्म नहीं हुआ है मेरा, पॉसिबिलिटी वाला हो चुका है, इधर और हो चुका है, बेसिक कंसेप्ट हो चुका है मेरा, और ये मेरा सम सम नॉट हो चुका, ओनली फ्यू एंड ओनली ए फ्यू मेरा हो चुका है, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, या फिर 50 क्वेश्चंस हो, या फिर आपका 100 क्वेश्चंस हो, या फिर आपका 150, जो भी क्वेश्चंस मेरा होगा एकदम अलग अलग टाइप का, जो मेरा क्वेश्चंस होगा मतलब 1 से 2 क्वेश्चन जो होगा अगले 1 से 2 क्वेश्चन से एकदम बराबर सेम टाइप का क्वेश्चंस नहीं होने वाला है। तो एकदम बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि 200 क्वेश्चंस आप लोग क्या करना, प्रैक्टिस करना है, और इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखो और उन लोगों तक पहुंचो जिनके पास अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं है, जिन लोगों को ये नहीं पता कि सम नॉट क्या होता है, नो क्या होता है, है ना, फायदा उन लोगों को भी मिलना चाहिए और सही नॉलेज मिलना चाहिए, सही डायरेक्शन में मिलना चाहिए। ठीक है, तो बने रहे मेरे साथ डियर स्टडी पॉइंट के साथ, है ना, थैंक यू फॉर वॉचिंग।